मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। तो आज पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लो एल्किन क्या होते हैं और साइक्लो एल्किन आप कैसे बनाते हो। अगर आपने साइक्लो एल्किन के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। टॉपिक बहुत ईजी है, बस बोर्ड पर फोकस रखना। आई होप कि ये टॉपिक आपके माइंड में होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। साइक्लो एल्किन होती क्या चीज़ है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है यार साइक्लो एल्कीन का, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक साइक्लो एल्कीन। ओके, साइक्लो एल्कीन, एल्कीन है बेटा ये, ध्यान देना, साइक्लो एल्कीन। और है क्या मेरे पास? साइक्लो एल्कीन, नॉट एल्कीन, क्या है? साइक्लो एल्कीन है, यानी कि ऐसे चक्रीय यौगिक, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अंदाजा लगा लो, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ कि ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ध्यान देना बेटे, ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिनकी रिंग में, ध्यान देना बेटे, जिनकी रिंग में, ठीक है, जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके सर, जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं, होता है, साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं, साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं। ओके सर, साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी परिभाषा है, आराम से याद कर लोगे। जितने भी साइक्लो एल्कीन होते हैं, ठीक है बेटे, जितने भी साइक्लो एल्कीन होते हैं और साइक्लो एल्कीन होते हैं, वो सब के सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं मेरे पास? साइक्लो एल्कीन होते हैं, ठीक है। और जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, वो सब के सब साइक्लो एल्कीन होते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है बेटे? साइक्लो एल्कीन पढ़नी है। तो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साइक्लो एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। इसका नाम तो लिख दिया। अच्छा देखो, इनका ना IUPAC नामकरण करते समय, ठीक है, नाम से पहले क्या लगा देते हैं? साइक्लो लगा देते हैं। बट मैं इसको लिखवा रहा हूँ कुछ इस टाइप से, कुछ एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट कुछ। जैसे मैंने ले लिया, देखो ये है मेरे पास CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है बेटे। अब अंदाजा लगा लो आप, ये क्या है मेरे पास? ये है साइक्लोप्रोपीन। क्या है मेरे पास? साइक्लोप्रोपीन होता है ये। या मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से, ए ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या मैंने इसको कुछ इस टाइप से लिख दिया, ऐसा कर ले सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो भैया ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सब के सब साइक्लो एल्किन कहलाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देख लिया। तो ये हमारे पास क्या? साइक्लोप्रोपीन है। क्या नाम बेटा इसका? साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा पढ़ने में, क्या बात है भाई। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपीन है, ठीक है सर, साइक्लोप्रोपेन, यानी कि पहले साइक्लो एल्किन पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं साइक्लो एल्किन, यानी कि साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, हो गया था ना। ऐसे ही आप साइक्लो ब्यूटीन बना सकते हो। साइक्लो ब्यूटीन मतलब देखो, ए CH2, सिंगल बॉन्ड फिर से CH2, ठीक है, और मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH, अंदाजा लगा लो। यानी कि इसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, CH, आप लिख सकते हो खाली, इसको बॉन्ड में शो करो खाली, ए इस टाइप से इसको आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया मेरे पास? साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या है बेटे? साइक्लोब्यूटीन। ओके सर, ये बन गया मेरे पास साइक्लोब्यूटीन। ऐसे ही आप साइक्लोपेंटीन बना सकते हो, साइक्लोहेक्सीन बना सकते हो, और भी अदर कंपाउंड बना सकते हो। तो ये मेरे पास पहला है साइक्लोप्रोपीन, और दूसरा है मेरे पास, ये है मेरे पास साइक्लोब्यूटीन। चलो साहब, साइक्लोपेंटीन बनाओ। तो देखो मेरे पास जो साइक्लोपेंटीन होगा वो कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ लगा दो एक CH2, ठीक है बेटे, इसके बाद में CH, ठीक है, फिर से CH, ठीक है, अब देखो जरा आगे CH, फिर मेरे पास CH, फिर मेरे पास CH, ठीक है। अब चाह रहे हो तो CH2 CH2 करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। जरूरी नहीं कि आप डबल बॉन्ड यहीं लगाओगे, डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हो, डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, आप डबल बॉन्ड कहीं भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सर, आगे बताइए। या इसको आप कुछ इस टाइप से लिख लोगे, ए रिंग में, इसको कुछ आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पांच होने वाला है। आप इसको साइक्लोपेंटीन को ऐसे भी ले सकते हो, उसका नाम है साइक्लोपेंटीन। क्या नाम है बेटा इसका? साइक्लोपेंटीन। ओके सर,
इसका नाम हमें मिल गया साइक्लोपेंटीन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन की बारी आती है। हाँ भाई, साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन ही बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है, पर जहाँ भी मुझे डबल बॉन्ड लगाना होगा मेरे भाई, वहाँ मैं क्या कर दूंगा, वहाँ से मैं दो एच कम कर दूंगा, एक एच यहाँ से कम कर दूंगा, एक एच यहाँ से कम कर दूंगा, तो बेटे यहाँ जो है मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। या मैं इसको लिख दूंगा कुछ इस टाइप से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, या मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूंगा कि मेरे पास क्या है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास खाली रिंग, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाओ। और भैया कहाँ से आपने दो हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं, यहाँ से, तो ये जो है मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से बाहर कर दिया, एक यहाँ से, तो मेरे पास दो हाइड्रोजन जब बाहर करें आपने, तो डबल बॉन्ड आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कुछ इस टाइप से बनता है, साइक्लोहेक्सीन जो है बेटे वो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाता है। बना लोगे इसको तो। और भी भैया साइक्लोहेप्टिन वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड और भी आते हैं। तो साइक्लो एल्किन को समझो बढ़िया करके कि भाई ऐसे एली साइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, साइक्लो एल्किन होते हैं। और इनका अगर आपको IUPAC नामकरण करना है, इनका अगर आपको IUPAC नामकरण करना है, तो बस नाम से पहले क्या लगा देते हैं, हम साइक्लो लगा देते हैं। ठीक है, बस एक सिंपल सा यार टॉपिक है, बड़ा इजी समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल परिचय हो गया साइक्लो एल्किन का, लेकिन अब जो बनाएंगे साइक्लो एल्किन को, वो देखो कितने मेथड से बनाई जाती है साइक्लो एल्किन। तो यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया तो ले लो, वरना उतार लियो उसको। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई सर, इसको इरेज कर दो आप। देखो इसके बाद जो जस्ट मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बड़ा स्पेशल पॉइंट है बेटे, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्किन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्किन। ठीक है सर, प्रिपरेशन ऑफ, ओके सर, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्किन। ठीक है सर, साइक्लो एल्किन, क्या बात है सर, साइक्लो एल्किन बनाने की विधियां सिखा रहे हैं सर, क्या बात है भाई। देखो जरा ध्यान देना बेटे, सबसे पहला मेथड आता है मेरे पास डील्स अल्डर अभिक्रिया द्वारा, याद कर लो डील्स अल्डर अभिक्रिया द्वारा। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग, देखो डील्स, और कौन सी रिएक्शन है बेटे मेरे पास, ये एल्डर, डील्स एल्डर अभिक्रिया द्वारा, डील्स एल्डर अभिक्रिया द्वारा। भैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, यानी कि साइक्लो एल्किन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन यही होती है। अगर आपको साइक्लो एल्किन बनाना है, अगर आपको साइक्लो एल्किन बनाना है, तो आप डील्स अल्डर अभिक्रिया को चुन सकते हो। एक सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। यानी कि ये क्या है मेरे पास बेटे, ये है साइक्लो एल्किन बनाने की, साइक्लो एल्किन, ओके सर, साइक्लो एल्किन बनाने की, साइक्लो एल्किन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है, एक महत्वपूर्ण विधि है। लाइन पे ध्यान देना है, शब्दों में मत जाओ, ठीक है भाई। तो ये साइक्लो एल्किन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि होती है, याद कर लो ठीक से, क्या होती है बेटा, ये विधि होती है। ठीक है सर, ये साइक्लो एल्किन बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर जो मैं बोलूंगा वो लिख लेना, सन 1929 की बात है जब डील्स ने इस अभिक्रिया को दिया, कब, 1928 में, 1928 में, ठीक है, याद कर लियो, सन 1928 में डील्स ने क्या करा, इस अभिक्रिया को दिया, हो जाएगा याद, कब के, सन 1928 में डील्स ने इस अभिक्रिया को दिया। अब ये अभिक्रिया लागू कैसे होती है वो चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट याद करो कि भाई डील्स एल्डर अभिक्रिया दो किस काम में आती है, साइक्लो एल्किन बनाने के काम में आती है। किसने दिए, डील्स ने दिए, कब दिए, 1928 में दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा इसके बाद, अब इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी कंज्यूगेटेड डाइन्स है, ध्यान देना लाइन है बेटे, कोई भी कंज्यूगेटेड डाइन्स है, कोई भी कंज्यूगेटेड डाइन्स है, क्या बात है सर, कोई भी कंज्यूगेटेड डाइन्स, इसका नाम है 1, 2, 3, 4, यानी कि 1.3 ब्यूटाडाइन, क्या नाम है बेटे इसका, 1.3 ब्यूटाडाइन, हो जाएगा याद, ब्यूटाडाइन, याद कर लो ठीक से, क्या है, 1.3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, हो गया होगा याद, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1.3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1.3 डाइन, यहाँ से गिनती करो, 1, 2, 3, 4, तो एक एक पे लगा हुआ है इन, और दो पे, दो पे, तीन पे लगा हुआ है इन, एक पे लगा हुआ है इन, दो तीन पे लगा हुआ है इन, तो 1 पे लगा हुआ है इन, 3 पे लगा हुआ है इन, तो 1.3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो डाइन हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको बोला था कंज्यूगेटेड डाइन्स, क्या बोलते हैं इसको हम, कंज्यूगेटेड डाइन्स बोलते हैं, जिनमें दो कंज्यूगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, कंज्यूगेटेड डाइन्स, तो कंज्यूगेटेड डाइन्स जो होते हैं उनमें दो डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोला था कंज्यूगेटेड डाइन्स। और ये रिएक्शन सिर्फ कंज्यूगेटेड डाइन्स पर ही लागू होती है, अगर आप
नॉर्मल एल्किन पकड़ते हो तो वहाँ पे ये रिएक्शन लागू नहीं होगी। इस पे करना मुझे, देखो कंजुगेटेड डाइईन पर मुझे किसी असंतृप्त अणु यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का योग कर देना, और ऐसा योग करना कि हमें कुछ भी बाहर नहीं निकालना। यानी कि कंजुगेटेड डाइन्स पर हमें क्या करना, असंतृप्त अणु का योग करना है, और भैया साइक्लो कंपाउंड बना देना, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं डील्स एल्डर अभिक्रिया, यानी कि जब कंजुगेटेड डाइन्स पर असंतृप्त अणु का योग किया जाता है तो साइक्लो या साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। इस अभिक्रिया को डील्स अल्डर अभिक्रिया कहते हैं। और एक खास बात मेरे दोस्त ये भी होती है इसमें कि इस असंतृप्त अणु को हम बोलते हैं डाइनोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइनोफिलिक या डाइनोफाइल। हो जाएगा यार, डाइनोफिलिक या डाइनोफाइल। आगे मैं पढ़ाता हूँ देखो तुम्हें, तो देखो सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ। CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और जोड़ दिया मैंने CH2 बेटे, मैंने जोड़ दिया। एक सिंपल सा मेथड है, मैंने बताया ना बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है ये वाली। इस टाइप से मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड कहाँ आगा, डबल बॉन्ड CH के बीच में आ जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास साइक्लो हैक्सीन। ध्यान देना बेटे बोर्ड पर, ये बन गया साइक्लो हैक्सीन। ठीक है, क्या कितनी ईजी रिएक्शन है साइक्लो हैक्सीन। और इस रिएक्शन में अभिकारकों का कोई भी अणु बाहर नहीं होता, इस रिएक्शन में अभिकारकों का एक भी अणु आपको बाहर नहीं करना। खास बात होती है यार इसमें, ये स्पेशल बात होती है। तो अगर आप चाहते हो तो देखो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ मैं। जब कौन सा वाला, जब उस कंज्यूगेटेड, ध्यान देना बेटे कंज्यूगेटेड, जब कंज्यूगेटेड डाइन, जब कंज्यूगेटेड डाइन्स होते हैं, जब कंज्यूगेटेड डाइन किससे अभिक्रिया करते हैं, जब कंज्यूगेटेड डाइन पर किसका, असंतृप्त अणु का, किसका बेटे, असंतृप्त अणु का, ठीक है, का योग किया जाता है, का योग किया जाता है, असंतृप्त अणु का योग किया जाता है, किया जाता है, तो भैया तो क्या बनता है मेरे पास, साइक्लो एल्किन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे, साइक्लो एल्किन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को ठीक है डील्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं, डील्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं, डिस एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। एक खास बात और है, अगर आपने असंतृप्त अणु से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन जोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजाइन जोड़ दिया, तो भैया डील्स एल्डर अभिक्रिया आसानी से होती है। तो इतनी लंबी कथा में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बहुत है कि जब कंजुगेटेड डाइन पर असंतृप्त अणु का योग किया जाता है तो साइक्लो एल्किन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डील्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कुछ, डील्स एल्डर अभिक्रिया बहुत सिंपल सा था, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट मेरे पास हो रहा था, सेकेंड पॉइंट बेटा और इजी है इसका, सेकेंड पॉइंट मेरे ख्याल से बिल्कुल ईजी है। दूसरा नंबर मेरे पास आता हैलाइड के विलोपन द्वारा, हैलाइड के विलोपन द्वारा। चलो देखते हैं भाई ये चीज़ क्या है, हैलाइड के विलोपन द्वारा आप कैसे बनाओगे, हैलाइड के विलोपन द्वारा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है बेटे, आराम से कवर हो जाएगा विलोपन द्वारा। बस चेक करते रहना कि मैं साइक्लो एल्किन किन किन मेथड से बना रहा हूँ, हैलाइड के विलोपन द्वारा। ठीक है, इसमें अगर मैं पहला नंबर लूँ तो पहला नंबर यह है मेरे पास, अगर मैं क्लोरो या ब्रोमो साइक्लो एल्केन को, कौन से बेटे, या तो तुम्हारे पास क्लोरो होगा या फिर मेरे पास क्या होगा, ब्रोमो होगा, क्लोरो या ब्रोमो साइक्लो एल्केन को, ध्यान देना लाइन पे, साइक्लो एल्केन को, ठीक है भाई, साइक्लो एल्केन को एल्कोहोली, कौन सा बेटे, एल्कोहोली KOH के साथ क्या करते हो, के साथ गर्म करते हो आप, के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है, तो भैया तो साइक्लो एल्किन बनते हैं। ध्यान देना लाइन पे, तो साइक्लो एल्किन बनते हैं। ओके सर, साइक्लो एल्किन बनते हैं, क्या बात है, साइक्लो एल्किन बनते हैं, बना दें, बनाओ। देखो बेटे ध्यान देना लाइन पे, अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अब देखो इसका नाम बताना तो मुझे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ BR लगाया है तो ये हो गया बेटे बन ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। लाइन पे ध्यान दो जरा, बन ब्रोमो साइक्लो पेंटेन बन गया, बन ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। कुछ नहीं करना है आपको, KH पकड़ लेना है, और वो भी कौन सा वाला होगा बेटे, एल्कोहली होगा, कौन सा होगा, एल्कोहली होगा। अब जब भैया आपने बन ब्रोमो साइक्लो पेंटेन को एल्कोहली KOH के साथ क्या करा, गरम करा,
तो देखो यहाँ से एक एच और यहाँ से बी आर, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास एच बी आर होगा ना, वो एच बी आर मेरे पास यहाँ से बाहर हो जाएगा, और जो भैया मेरे पास जुड़ा है यानी कि यहाँ से जो है मेरे पास के बी आर, ठीक है, गलत हो गया रिएक्शन हमारी, यहाँ से के बी आर, ठीक है, के बी आर बाहर होगा, प्लस यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच, एच टू ओ क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ बाहर हो गया, बचा क्या मेरे पास, बचा क्या बेटा मेरे पास, बचा मेरे पास खाली रिंग, और ये बचा मेरे पास, आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि के बी आर बाहर कर दिया मैंने, और यहाँ से मैंने कितने एच बाहर करे हैं, एक एच यहाँ से और एक ओ एच यहाँ से, एच टू ओ बाहर कर दिया, तो ये इसका नाम है साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, ध्यान देना बेटा लाइन पर जरा, साइक्लोपेंटीन बना दिया, ठीक, एक रिएक्शन और आती है, सेकेंड नंबर मेरे पास आता है इसका बेटे, बड़ा स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर में आता है तुम्हारे पास डाइब्रोमो, क्या आता है, डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, यानी कि डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन को, ध्यान देना, डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन को, या डाइब्रोमो हो या डाइक्लोरो हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने चलो डाइब्रोमो ले लिया यार, डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन को कोई से भी हो सकता है, डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन को, ठीक है साहब, डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन को जिंक धातु के साथ, लाइन पर ध्यान दो बेटे, जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, साथ गर्म करने पर साइक्लो एल्किन बनते हैं, साइक्लो एल्किन बनते हैं, ओके सर बना के दिखाओ, रिएक्शन बना के दिखाओ, रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, हाँ तो रिएक्शन बना के दिखाएंगे, लो साहब जैसे आप कह दोगे वैसा हो जाएगा, ये मेरे पास बी आर आ गया बेटे, इधर मेरे पास बी आर आ गया, इसका नाम है, इसका नाम लिख लो तुम 1.2, और ये क्या मेरे पास डाइब्रोमो, ठीक है 1.2 डाइब्रोमो, और क्या इसका नाम आगे बताओ, 1.2 डाइब्रोमो और पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ध्यान देना बेटे, साइक्लोपेंटेन, ओके सर साइक्लोपेंटेन, प्लस क्या करना मुझे, जिंक धातु के साथ कर देना इसको गर्म, तो यहाँ से जेड एन बी आर टू बाहर हो जाएगा, जिंक ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, लो साहब यहाँ से जिंक ब्रोमाइड क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया है, अब बचा क्या मेरे पास, जब मैंने दो बी आर बाहर कर दिए हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा देखो ये बच जाएगा मेरे पास, ये लाइन पर ध्यान देना था सेवर के, ये बना मेरे पास साइक्लो साइक्लो साइक्लोपेंटीन साइक्लोपेंटीन, और भी आप बहुत सारे कंपाउंड इसमें के बना सकते हो, दिख रहा है ना, ना दिख रहा था लिख लेना अपने आप कि भाई क्या बना मेरे पास, साइक्लोपेंटीन बना, तो 1.2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटीन, पेंटीन से जब को जब जिंक धातु के साथ आप गर्म करते हो तो साइक्लोपेंटीन बनता, कितने मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, ठीक है, अच्छा मैं एक मेथड और लेता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उतार लेना इसको, ठीक है सर, इसका एक मेथड हो रहा था हमारा अभी सर, एक मेथड हो रहा था, तो देखो इसके बाद मेरे पास दो तीसरा नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है, बाई चक्कर बाई साइक्लिक कंपाउंड, वाई साइक्लिक कंपाउंड, वाई साइक्लिक कंपाउंड यानी कि साइक्लिक कंपाउंड द्वारा किसी भी चक्रीय यौगिक को द्वारा, अच्छा कैसे बनाओगे, देखो बनाने की विधि यह है कि भैया साइक्लिक कीटोन से यानी कि साइक्लिक कीटोन से, ओके सर साइक्लिक कीटोन से साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन यानी कि साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन निम्न प्रकार बनाया जाता है, कहाँ लिखते फिरोगे थ्योरी, मैंने शॉर्ट लिख दिया बिल्कुल, निम्न प्रकार बनाया जाता है, ठीक है सर निम्न प्रकार बनाया जाता, ठीक है यानी कि साइक्लिक कीटोन से साइक्लोहेक्सीन निम्न प्रकार बनाया जाता, अच्छा ठीक है मैं इसको इरेज कर दूँ, अगर स्क्रीन शॉट ले लो, ना लिया हो तो उतार लेना सेवर के इसको, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, कम आएगी अभी, इसको इरेज करना है, फ़ायदा है हमारा, बिना इरेज करे रिएक्शन में मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है देखो फिर जरा ध्यान देना, अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बेटा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, हेक्सेनोन, ना पढ़ी हो तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इस वीडियो का, वहां जाकर देख लेना आप, ठीक है कुछ नहीं करना है, इसका ऑप्शन करवा दो, इसका ऑप्शन करवा दो, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है मैंने करवा दिया ऑप्शन, तो बन गया बेटा मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लो हेक्सेनोल, हेक्सेनोल, ठीक है सर हेक्सेनोल बन गया, अब उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से देखो OH और यहाँ से एक एच, जब गर्म कर दोगे ना हीट कर दोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक एच, क्या हो जाएगा मेरे पास, जल बाहर हो जाएगा यहाँ से और मेरे पास रह जाएगा सिर्फ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है इस टाइप से आप अपना कंपाउंड कोई सा भी बना सकते हो, पर ध्यान देना बेटे ये है तुम्हारे पास तीन मेथड हो गए, यानी कि साइक्लोएल्किन क्या होते हैं,
और साइक्लो एल्केन बनाने की मैंने तीन विधियाँ लिखवा दी, काफ़ी हैं ठीक है। और डील्स अल्डर अभिक्रिया पे खाली टिप्पणी पूछता कि भाई डील्स अल्डर अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी कैसे करनी है मैंने बता दिया आपको, जो मैंने थ्योरी बोल के बोली है वो आपको लिखना नहीं है ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी, क्योंकि दो नंबर में जब पूछेगा आपसे डील्स एल्डर अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए तो काफ़ी बड़ा लिखा होगा, आप ऐसे नहीं कि भाई छोटे मोटे दो तीन लाइनों से काम चल जाएगा आपका ठीक है। अब ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स।